बशत भाई, भाई ये झूला झूलोगे? झूलोगे? बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए नहीं, बड़े बच्चों के लिए। छोटे आप? छोटे वो जो नीचे ऊपर होता है, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर उसको क्या? अरे यार जो एक तरफ बैठता है, एक तरफ यहाँ बैठते हैं। गाड़ी से आने जा रहा मैं। ये चला लेंगे तो बहुत ही छोटे बच्चों का यार मशन। ये तो बहुत ही छोटे बच्चों का यार मशन। आप ये वाले ही चुप पे बोल लेते। बड़े हो गए यार आप तो व्लॉग बनाते हो। हेलो गाइस, मैं व्लॉग बनाऊंगा। बाबा साहब ऐसी जय बाबा है, ऐसा निजा ऐसा बाबा है, पूरा चढ़ते चिल्ला बाबा चिल्ला चिल्ला। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? जी जी, बच्चों को पास लेकर आया हूँ। इनको कुछ टफी करने का मूड हो रहा था और चलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है इनका पार्क का प्रोग्राम। मशहद कहाँ पर आए हो? पार्क आए हो? नीचे ऊपर, नीचे ऊपर कहाँ होता है? क्या कहते हैं उसको? नीचे ऊपर वाले को बोलते क्या है? नीचे ऊपर वाले को क्या बोलते हैं यार? नहीं पता आपको? आपको पता है नीचे ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? वो जो नीचे ऊपर होता है, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर उसको क्या? अरे यार जो एक तरफ बैठता है, एक तरफ यहाँ बैठते हैं। सीसो, सीसो कहते हैं भाई, सीसो। मशहद सीसो बोलते हैं उसको? सीसो है नहीं, सीसो बोलते हैं। सीसो बोलो, सीसो में जाना है। कहाँ है सीसो? कहाँ है? चलो सीसो ढूंढते हैं भाई, सीसो किधर है? हिदाया आपको पता है सीसो क्या होता है? किस तरह बैलेंस कैसे होता है वो? पाँव से जम माननी पड़ती है यार। ये कौन कौन से तरीके बता रहे हैं पाँव से जम माननी पड़ती है? ऊपर नीचे ऊपर नहीं मिल रहा, गाड़ी से आने जा रहा मैं। सीसो नहीं मिल रहा, नीचे ऊपर नहीं मिल रहा, गाड़ी चलाने जा रहे हो? हाँ। भाई गाड़ी चलानी है इसको यार। कितने की राइड है भाई? कितने घंटे की? मस्जिद के पास मस्जिद की गाड़ी आ गई खुद। मस्जिद आप तो गाड़ी वाले बन गए, गाड़ी वाले बन गए मस्जिद। गाड़ी चला रहे हो मस्जिद? हेलमेट कहाँ है तुम्हारा? रुको रुको अंकल, अंकल अभी आपको करवाएंगे, अंकल इनको करवा दें गाड़ी का। ओ भाई चलो भाई, ये मस्जिद गया। ये वाले पे कैसे जाओगे? कैसे जाओगे ये वाले पे? इसमें नहीं जा सकते ये। अब भाई ये तो यार पूरा झूला खराब हुआ है, कैसे झूलेंगे आप? आप लोगों ने ये वाली राइड लेनी है? जंपिंग बलून में जाना है? बाइक चलानी है आपको? तो भाई इसको तो बाइक चलानी है इनको। और आपने भी बाइक चलानी है? चलो ठीक है, सही है, सही है, सही है। चलो ये वाली राइड लेते हैं। ओके, मेरी फेवरेट है। आपकी फेवरेट है? चलो चलो आओ ये वाली राइड लेते हैं। जाओ भाई, जाओ बाइक। पहले पहले मशहद, पहले आप चले जाओ। अलीजा पहले आप, पहले पहले हिदाया आप चला लो। जाइए भाई जाइए। हाँ हाँ चला लीजिए, कोई मसला नहीं। अगर एक राउंड लेके कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर एक राउंड में बहुत बड़ा मसला हो जाता है। अगर इसने ठोकी तो मुंह फट जाएगा इसका। अच्छा भाई, मेरे मसले में पैसे भी नहीं दूंगा तो लग ना जाए बच्ची। बच्चों को लग ना जाए तो हेलमेट वगैरह नहीं है हमारे पास। असल में बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए नहीं। बड़े बच्चों के लिए भाई ये तो, बड़े बच्चों के लिए आप चला लोगी आयशा, लेकिन आप भी है। लेकिन आपका फेज है ना, हैंडल से ऊपर आगे टकराएगा। सही कह रहे हैं मशहद, ये तो छोटे बच्चों के लिए नहीं है खुदा ना खास्ता, ना हमारे पास हमारे
ये चला लेंगे तो बहुत ही छोटे बच्चों का यार मशल, अब तो बड़े हो गए हो। जंपिंग बलून चले जाते हैं, ये तो बहुत ही छोटे बच्चों का है यार मशल। आप ये वाले ही चुप पे बोल लेते, बड़े हो गए यार, आप तो व्लॉग बनाते हो। आप छोटे चलो, अलीजा चला रही है। अरे अलीजा आगे देख के चलाओ यार, पाँव नहीं हटाओ, पाँव नहीं हटाना। ऐसे चला लोगी रोड पे? हिदाया का मूड खराब हो गया था, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं मैं इनको चलवा देता हूँ, तो अब थोड़ा सा हिदाया का मूड सही हुआ है। हिदाया ने कहा, हिदाया आगे देख के चलाओ, आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। आप भी चलाओगे? मना कर रहे, छोटे बच्चे नहीं चलाएंगे, वो कह रहे अगर टकरा गया यहाँ पे तो आप लग जाएगी। मशहद भाई, ये झूला झूलोगे? झूलोगे? अगर अगर नहीं झूल सके तो कर लोगे? चलो ठीक है, फिर मैं आपको 50 रुपीज दूंगा मशहद भाई, ठीक है, जाओ झूल कर आओ। अभी तक तो ये बच्चे जो है ना पार्क में घूम रहे हैं, और इनको घुमाना ज़रूरी था। आज है संडे और संडे वाले दिन इनकी कमिटमेंट थी मेरे साथ, लेकिन कुछ तबीयत सही नहीं थी और बहुत ज़्यादा सर में दर्द था, बच्चों को लेके नहीं जा सका, और बस मुख्तसर से टाइम के लिए, थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए पार्क में लेकर आया था ताकि थोड़ा सा इनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके, थोड़ा सा ये आउटिंग कर सकें, थोड़ा ये रिलैक्स हो जाए। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। ये सब बच्चों की आपको पता है परवरिश के अंदर, उनके ब्रॉटअप के अंदर ये सब आसानी करने के लिए होता है, कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए होता है। और मैं तो अपने देखने वालों को भी यही बोलूँगा कि आप भी थोड़ा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें और बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट करें, बच्चों को समझें ताकि वो आपके साथ इन्वॉल्व हो सकें। तो ये एक छोटा सा मशवरा था इस वीडियो के ज़रिए, इस व्लॉग के ज़रिए जो आपको देना था। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। अगर मेरी ये बात आपको अच्छी लगे, मेरा ये सीरीज़ आपको अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, मेरे बच्चों को सपोर्ट कर दीजिएगा। और अभी अजानें हो रही हैं, मनाने हो रही हैं, और हम बस शॉर्ट टाइम के लिए आए थे पार्क में, थोड़ा बहुत इनको जो है वो इन्जॉय करवाया, इनके साथ टाइम स्पेंड किया, उसी के ज़रिए जो है वो हम खुद भी इन्जॉय कर लेते हैं, आपको पता है कि इस तरीके से होता है। तो यहीं करते हैं अपने व्लॉग का इख्तिताम, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।